Deep Bedi here from Shades International, a cluster of art and craft. आज हम हेलोविन क्राफ्ट में चेन ऑफ पम्पकिन बनाएंगे पेपर से कटिंग करके चेन ऑफ इस तरह का पेपर लिया है मैंने, देख लीजिए आप। इसको मैंने इस तरह से मोड़ा, फिर इसको हाफ मोड़ा इस तरह से, और फिर इसको हाफ को मैंने इस तरह से हाफ मोड़ना है और आधा इधर से हाफ मोड़ना है। इस तरह से ये बनेगी, जिस तरह से ये कोई इस तरह से देख लीजिए शेप, इस तरह से शेप आनी चाहिए। अब मैंने इसको मोड़कर इसके किनारे पर पम्पकिन ड्रॉ करना है, जैसे एप्पल ड्रॉ करते हैं वैसे पम्पकिन ड्रॉ करना है इस तरह से। ये मैंने पम्पकिन ड्रॉ कर लिया और इसमें मैंने इस तरह से ट्रायंगल में आईज भी ड्रॉ कर देनी है और नोज भी ड्रॉ कर देनी है और लिप्स के लिए निशान डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की मैंने बनाई है, पास से देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने बनाया है, इस तरह से बनाया है। और ये शेप इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी, हाफ इस तरह से मोड़ के फिर हाफ इस तरह से मोड़ी है। अब मैं यहाँ से कटिंग करना शुरू करती हूँ। बड़ी जल्दी कटिंग हो जाती है क्योंकि आपके पेपर बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसके पेंसिल के साथ साथ चल रही हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ कटिंग कर दी। नीचे से मैं इसको गोलाई में काट रही हूँ और ये मैंने साइड में ले जाकर इसको इस तरह से काट दिया। आप शेप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई भी शेप देख सकते हैं। फिर आपने आईज को काटने के लिए इसको सेंटर में इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से सेंटर में मोड़ दें और आईज को इस तरह से काट दें। दोनों आईज को एक तरफ से इस तरह से काट देंगे और फिर दूसरी तरफ से इस तरह करते हुए ट्रायंगल में आईज को निकाल देंगे इस तरह से, इस एक्स्ट्रा हिस्से को निकाल देंगे इस तरह से। ये एक बार में दोनों आईज हमारी बन जाती हैं, आप देखें इस तरह से। अब हमें नोज बनानी है, नोज को भी वहाँ से मोड़ेंगे जहाँ पर नोज है, हाफ में से जहाँ पर हाफ नोज होती है वहाँ से मोड़ेंगे और इसको बीच में से हिस्से को निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया। अब मैं इसकी जहाँ पर लिप्स बनाए हैं वहाँ से थोड़ी सी कटिंग करूँगी। उसके लिए हमें कुछ पूरा एक्यूरेट उसकी ज़रूरत नहीं है, हम कैसे भी थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से गोलाई में लेते हुए। पर वो गोलाई हमें दोनों लिप्स के नोज़ के बराबर आनी चाहिए, इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से मैंने मोड़ते हुए ये थोड़ी सी कटी है, थोड़ी सी और काट देती हूँ। क्योंकि लिप्स बहुत बड़े नहीं बनाने हैं तो इसलिए ये आराम से करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने ये काट दिया तो आप देख सकते हैं। मैं किसी पेपर के नीचे रखकर इसको दिखाती हूँ ये क्या शेप आई है इसकी। ये देखिए इस तरह से आप देखिए, ब्लैक के ऊपर भी देख सकते हैं आप इस तरह से आई है, या फिर आप ऑरेंज के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये इस तरह से शेप आई है। देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर से पीस निकाल दिए। अब मैं इसे खोल कर दिखाऊंगी आपको। ये देखो इस तरह से चेन ऑफ बनी है, पूरी चेन ऑफ बनी है उसकी, पम्पकिन की पूरी चेन बनी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये भी देखिए ये पूरी चेन ऑफ पम्पकिन बना है इस तरह से। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको पूरी चेन बना सकते हैं यहाँ से। ये देखिए अब ये पूरी चेन बन गई, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है। कहीं पर भी आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये पम्पकिन आप देखिए कितने प्यारे बने हैं, ये तीनों पम्पकिन आप देखिए कितने प्यारे बने हैं। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है। ये वेब मैंने बनाए हैं पम्पकिन के, और ये देखिए ये पम्पकिन का, ये पम्पकिन खुद ही बनाया है। और ये लैंटर्न आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लैंटर्न बनी है, इसका फेस देख लीजिए। और ये तीनों हैट आप देख सकते हैं, ये तीनों हैट बैठ कर देख लीजिए आप सारे। तो पम्पकिन की इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई है, आपको जो भी ईजी लगे आप बनाइए और पम्पकिन का फेस्टिवल पूरी अच्छी तरह से बनाइए। गुड लक। Good luck.